तो उनसे हम आपको मिलवाने वाले हैं अभी। महाराज जी, आप कितने दिनों से यहाँ रह रहे हैं? 23 साल हो गए। हाँ, तो जागा सरकार वाले ये हनुमान जी महाराज हैं, और यहाँ क्या क्या चमत्कार होते हैं? चमत्कार होते हैं, कैंसर वाले लोग ज्यादा आते हैं, अच्छा, और मतलब कुछ भी बीमारी हो तब यहाँ उनकी परेशानी दूर होती जो भी भक्त यहाँ आते हैं सबकी मनोकामना मनोकामना हनुमान जी पूर्ण होती महाराज है, पूरी करते हैं। पूरी करती है। अच्छा, तो जय भी महाराज जी यहाँ खड़े हुए हैं, इनसे ही मिलवाना चाहते हैं आप ही इधर ही रहते हो? हाँ, अच्छा, अभी आपको कितना टाइम हो गया है? हम काय पहले वृंदावन रहे हैं, और फिर मंदिर में सेवाएं दी है इधर दतिया, अब घर पे ही रह रहे 2 साल से। अच्छा, यहाँ आते जाते रहते हैं, कार्यक्रम रामायण यज्ञ वगैरह जो होते हैं वो उसमें सहयोग करते हैं और करवाते हैं। और बहुत अच्छी बात है। तो और महाराज जी को करीब करीब 22-23 साल यहाँ हो चुके हैं, और जितने भी भक्त यहाँ आते हैं सभी की मनोकामना हनुमान जी महाराज पूरी करते हैं। महाराज जी, एक आध के अभी कोई किसी का ठीक हुआ है क्या? बहुत से हो गए, मुझे भागवत कराते, अच्छा, कराते, जिस पर श्रद्धा है वो साफ से बंद करते। अच्छा, उन्हें थोड़ा आप अपना एड्रेस दे दो, थोड़ा आप अपना एड्रेस दो, मतलब किस रास्ता पे लोग वैसे भक्त आएंगे भी दर्शन करने के लिए, तो पूरा परिचय दो कैसे कैसे आना होगा इधर। हम तो यहीं के हैं, नहीं मंदिर के बारे में परिचय दो, मंदिर के लिए जो जैसे भक्त आते हैं और रास्ता उनके बारे में आप बता। पता पड़ता है लोग वागन को, अच्छा, हिसाब से आते हैं, बच्चा नहीं है किसी के तो बच्चा भी होता है। अच्छा, पालन करे हाँ, पालना वो लोग टांग जाते, अच्छा, उनकी मनोकामना मतलब पूरी होती है, जैसे बच्चा भी नहीं जिसकी गोद खाली है उसकी गोद ही भर जाती है। सब मतलब भूत पर भी जैसे भी है वो भी लोग यहाँ ठीक हो जाते, जैसी भी परेशानी हो सब ठीक हो जाती, परेशानी यहाँ ठीक होती है। और लेकिन पहले कुछ नहीं है, पटाखा लगाना है बस, कुछ धागा पागा तो नहीं बांधना है, कुछ नहीं करते। आप परकम लगाओ, उनसे डायरेक्ट विनती करो। देखिए भाइयों बहनों, फिलहाल आप दर्शन कीजिए और परकम्मा लगाइए, और जो भी आपकी मनोकामना है जो दिल में रख के आएंगे वो आपकी यहाँ पूर्ण होगी, कुल मिला के जय है। और बहनों भाइयों, यहाँ हजारों और लाखों की संख्या में भक्त आते हैं आज, क्योंकि आज सोमवार है और मंगलवार को तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है, और मंगलवार को हम महाराज जी से ज्यादा इंटरव्यू नहीं ले पाते और आपको इतना नहीं बता पाते, क्योंकि महाराज जी को टाइम नहीं मिलता, इसलिए इस वजह से हम सोमवार के दिन आए हैं आपको ना थोड़ा इनके बारे में और भी जानकारी देने वाले हैं। भैया क्या नाम है आपका? संजीव यादव। संजीव यादव, तो आप भी महाराज जी यहाँ दर्शन करने के लिए कब से आ रहे हैं? कम से कम जन्म जन्म से आ रहे हैं, हमको 20 वर्ष हो गई यहाँ पे आते, और यहाँ भगवान की इतनी कृपा है कि यहाँ जयपुर ग्वालियर ग्वालियर सब जगह भोपाल तक के लोग बाहर से लोग आते बाहर से आते हैं, उनके कैंसर प्रेजेंट में ठीक हुए। अच्छा। एक सामने हमारे ये TVS वाले हैं तहसीलदार साहब, उनका मतलब ये कैंसर था वो उनका भी ठीक हुआ। एक सलमपुरा गाँव है, उनकी माता जी का भी कैंसर ठीक हुआ। ऐसे कई लोगों के यहाँ मतलब कैंसर ठीक हुए है, और बहुत भगवान की प्रेरणा है, जो भी भक्त यहाँ दर्शन करते हैं परिक्रमा लगाते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण तरीके से होगी। 700 साल पुराना मंदिर है जी, 700 साल 700 साल 700 साल पुराना मंदिर है भाई बहन। और पर रास्ता सही हो रहा है क्या मंदिर के? ये रोड बन रही है, बन रही है, अभी 1 करोड़ का काम हुआ है नगर पंचायत नगर पालिका नगर परिषद मोह से, और बहुत बढ़िया रोड और सारी व्यवस्था है ईश्वर की कृपा से। अच्छा, तो बहनों भाई आप भिंड से भी आ सकते हो, जिला भिंड सीधा ये रोड जुड़ा है जागा सरकार के लिए, ग्वालियर दतिया कुल मिला के ज्यादा आप इधर आओगे गौत तहसील में, और गौत तहसील के लोगों को पूछ सकते हैं जागा सरकार जी वाले हनुमान जी का मंदिर कहाँ है, कोई भी बता देगा आपको XYZ, कोई भी हो कुल मिला के जी जी क्षेत्र में इस जिले में फेमस धाम है, पहले पे दंदरुआ दूसरे पे ये धाम है, दंगरुआ से ज्यादा दूरी नहीं है, ज्यादा ज्यादातर 5 किलो 7 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर है, और मेन रोड से इसकी दूरी 1 किलो 300 मीटर है करीबन, कोई ज्यादा नहीं है। और कई लोग यार गेट से ही भूत प्रेत वगैरह जैसे लोगों को हो जाता है ना, तो गेट घुसते ही उनका सब ठीक। अच्छा, वहां से सीधे अपने पैदल चल के आते हैं आप, सुबह मंगलवार और शनिवार को आप देखिए कितनी भीड़ होती है। अच्छा, सुबह से चल के वहां से पैदल आते हैं,
गाड़ी गाड़ी वाले तो उधर खड़ी कर दिए थे, पैदल चलते उधर से, पैदल उधर से खुश हो गए जाते हैं। तो भाइयों बहनों जो भी व्यक्ति या भक्त रोता हुआ आएगा तो इधर हंसता हुआ इधर से जाएगा। तो महाराज जी बैठे हुए हैं, और महाराज जी आपको कितना टाइम हो गया है यहाँ दर्शन करते हुए? 8 साल तो हो गई होगी सर्विस के बाद। अच्छा, यहाँ पर जम गया। अच्छा अच्छा, सर्विस किस में थी आप? NWDA राष्ट्रीय जनसंख्या। अच्छा अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, काफी अच्छा लगा आपसे ही मिलके, और महाराज जी ने भी जानकारी दी बहुत अच्छा। और यहाँ बहुत अच्छा स्थान है भाइयों बहनों, और फिलहाल देख सकते हैं विराजे हुए हैं हमारे हनुमान जी महाराज, देख सकते हैं आप, देखिए यही है जागा सरकार वाले हनुमान जी महाराज। सरकार की जय। उन्होंने जिंदा समाधि ली थी। अच्छा, सामने सिद्ध बाबा है। चलो उधर भी चलते हैं, आ जाओ। कौन सा मंदिर है? कौन सा मंदिर है? माता जी का है। अच्छा जी, माता जी का है, शेरा वाली माता। देख सकते हैं भाई बहनों, ये शेरा वाली का मंदिर है माता। जय भगवती। देखिए दर्शन कीजिए आप, माता जी मुस्कुरा रही हैं, आप फिलहाल देखिए। सिद्ध महाराज के भी दर्शन कराने वाले हैं आपको। कौन सी जगह है महाराज जी ने समाधि? उधर है। तो फिलहाल देख सकते हैं भाइयों बहनों, जो सिद्ध महाराज हैं इनने जिंदा समाधि ली थी। महाराज जी बताएंगे, महाराज जी कितना टाइम हो गया है? 300-400 साल करीब हो गए इनने समाधि यहाँ जिंदा ली थी। जिंदा समाधि इनने ली थी, 300-400 के करीब साल हो चुके हैं इनको। मतलब पूरा गांव आओ, मतलब जो यही रहते थे, इनके परिवार में शादी आ गई तो मतलब गांव लवाए हुए घुमाए, तो जो बोले हम चल रहे हैं, जो पानी पी लो और तमाकू से हम चल रहे हैं, तो वो एक छोटी सी मटकिया थी। हाँ। वो पूरे गांव ने निगटा नहीं पाई। अच्छा, मतलब आज जनता पियत जाए वो वैसे यही भरी। अच्छा, इस वजह से फिर बोले अब इन्हें क्या करते हैं ले जाए, फिर वे यही रहे हैं। उन्होंने जिंदा यही इसी स्थान पर समाधि ली थी। सरानदास महाराज नाम, सरानदास महाराज नाम है। और फिलहाल देख सकते हैं ऐसे चमत्कारी स्थान बहुत ही कम जगह पे हैं। और फिलहाल देख सकते हैं जो मंदिर के बारे में, तो जो भी हकीकत है वो मैं पहले से भी जानता हूँ, क्योंकि मेरे को आपको अगर मैं बताता तो आपको प्रूफ सही नहीं लगता, और इस वजह से आपको रूबरू इनसे करवाया इसी वजह से। तो बहनों भाइयों, वीडियो को लाइक करना और इतना शेयर करना, क्योंकि लोग इस वीडियो की सच्चाई और धाम को भी लोग जान सकें। ठीक है बहनों भाइयों, बस आज के लिए इतना है।